फाइनली वो दिन आ ही गया कि बहुत दिनों के बाद आज जो है ना फिर अगेन एक न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि हम जो है ना लास्ट 2 या 3 वीक से जो ना मैं बहुत गायब था, क्योंकि लाइफ कुछ ऐसी चल रही थी कि भाई कुछ उसके बारे में ना मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि ये जो लॉकडाउन में जो कोविड के वजह से जो केसेस के सुनने में आ रहा था, नेगेटिविटी फैली हुई थी यूट्यूब पे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहा था, उससे जो है ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। इसके लिए जो है ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करूँ। ऐसे भी कुछ वीडियो थे जो मैं आधा शूट किया था और जो है ना आधा शूट नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं अपलोड करा। सो एट द एंड चलो अभी एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो है ना आज बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है ना मुझे सुनने में आ रहा कि भाई इसके लिए जो है ना आज थोड़ा सा खुश हूँ, और जो है ना वीडियो बनाने के लिए भी जो है ना अभी फिलहाल बैठा हुआ हूँ। जैसे अभी मेरी जॉब भी फिनिश करके आया, सो अभी सब भुला देते हैं, जो भी पुरानी चीज़ जो चल रही थी सब चीज़ भुला देंगे, अभी जो चीज़ है उससे शुरुआत करेंगे। और वो क्या खुशखबरी है वो जो है ना वीडियो के एंड में देता हूँ, मैं जो चीज़ के लिए वेट कर रहा था अपने दिनों से। सो और हमारा इंट्रोडक्शन भी बाकी है, सो वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। होप एवरीवन इज गुड, आई एम ऑल्सो गुड, बट जो पास्ट था उसको भूल जाते हैं, अभी जो फ्यूचर का है उसके लिए हम लोग ध्यान से और अपना दिमाग चलाते हैं उसके बारे में। सो हम जो चीज़ पर बात करने वाले ये वीडियो पे, सो वो चीज़ पे हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। जैसे कि हर चीज़, जैसे कि अभी यूट्यूब पे जो चल रहा था कि भाई यूके में जो है ना PHW के बारे में चल रहा था, और जो है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है ना क्लोज होने वाली है उसके रिलेटेड चल रहा था, उसके लिए मैं टॉपिक्स चूज़ भी किया था और बनाने के लिए सोचा था, बट बोला ना एट द एंड कि मैं हाफ वीडियो शूट करना और हाफ वीडियो शूट करना नहीं पाया, क्योंकि रीज़न यही जो नेगेटिविटी पहले भी थी और जो है ना एक के बाद एक जो है ना बैड न्यूज़ आ रही थी, इसके लिए जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाया इतने दिनों से। सो अभी वो सब भूल जाते हैं, अभी अपन लाइफ में जो है ना मूव ऑन होते हैं। सो के भाई और के जो बंदे का भी मेरे को क्वेश्चन था कि भाई ये जो है ना आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे, रीज़न ही यही था मान लो। सो जो PHW के लिए जो आ रहे थे, जो PHW जो यूके में अनाउंस किया था कि जो बोरिस का भाई, मैं ऑलरेडी लास्ट से लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई यहाँ पर यूके में जो है ना PHW आने वाला है। हाँ वो PHW आने वाला है, PHW जो है ना PhD जो मास्टर्स के बाद जो करते हैं वो लोग को जो है ना 3 साल के लिए आने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। जो मास्टर्स करते हैं वो लोग को जो है ना 2 साल के लिए मिलने वाला है, ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है। बट जो है ना वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं था और ना वो कोई एक अग्रीमेंट जो बोलते हैं ना उसको अभी साइन नहीं हुआ, बस एक जो है ना बात रखी हुई है, अभी कन्फर्मेशन इसका कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो है ना सितंबर में, मतलब जो आने वाले जो जो समर है ना उसमें जो है ना मिलने वाला है, ऐसा ही कुछ से नहीं मेरा, बट वो अभी कंफर्म नहीं है। एट द एंड होता ही है, जो हम लोग वो जो मेरी बैच और जो आए हुए हैं जो जुलाई या जनवरी जो इंटेक में आ रहे थे उन लोग के लिए जो है ना यही बोल के वहाँ से इंडिया से हम लोग को एडमिशन दिलाया गया था। सो एट द एंड मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग जो भी अपडेट्स आने वाले हैं रिगार्डिंग PHW और जिसके भी। और के एक जो चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि आप मान लो ये के यूनिवर्सिटी जो है ना सितंबर में ओपन होने वाली है या नहीं होने वाली, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है ना एडमिशन ले रही है, बट जो है ना एट द एंड कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना बंद होने वाली है उसका कोई नाम अभी तक अपने सामने नहीं आया। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि देखो अगर कोई यूनिवर्सिटी का नाम अगर आया तो कोई भी स्टूडेंट जो है ना उसमें एडमिशन नहीं ले पाता, और ना बहुत सारे जो है ना उसके जो फीडबैक्स होते हैं उसका जो स्टूडेंट्स है ना वो लोग जो है ना वो यूनिवर्सिटी से जो है ना निकल लेने की कोशिश करते हैं। इसका ऐसा ही इसके लिए जो है ना वो लोग की यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स नहीं आ रहे, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई वो 13 यूनिवर्सिटी जो है ना बंद होने वाली है। वो कौन से है अभी कुछ उसके लिए कन्फर्मेशन नहीं आया कि कौन सी यूनिवर्सिटी होने वाले। यही कुछ थे अपडेट्स। और आपको अगर और एक चीज़ जो मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो अगर आपको जो टॉपिक आप चाह रहे, जैसे कि मान लो कि भाई कोई रिलेटेड जैसे कि यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन से या जॉब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करना है जो मेरे को कमेंट करो, जो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो 5 कमेंट रहेंगे उसमें पिकअप करूँगा और लोगों के आंसर देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और यही कुछ थे, और बहुत दिनों के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, बट इंशाल्लाह बैक टू बैक आएंगे यहाँ से वीडियो इंशाल्लाह। और कि जो मैं चीज़ बोल रहा था कि भाई कौन सी वो जो खुशखबरी है जो मैं बहुत हैप्पीली फील कर रहा हूँ वो ये है कि भाई मैं बहुत
टाइम से जो ना मैं एक चीज़ के लिए वेट कर रहा था, वो था जिम यहाँ पर के कब ओपन वाले होने वाले थे। लास्ट मई 15-20 डेज से कुछ वेट कर रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दिस मंथ जो है ना 15-25 से जो है ना यहाँ पर की जिम्स भी जो है ना सारा ओपन होने वाला है। लॉकडाउन की बात अगर हम करेंगे तो बहुत जो भी लॉकडाउन चल रहा था यहाँ पर ना स्टेट वाइज जो है ना उसको स्लोली 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 ओपन करें। पहले जो है ना स्लोली जो है ना रेस्टोरेंट ओपन किया था सिर्फ ओनली फॉर टेक अवे, उसके बाद एक वीक 1-2 वीक के बाद जो है ना स्लोली स्लोली और एक बार वो जो है ना डाइनिंग एरिया ओपन कर दिए, वो भी जो है ना 2 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ना आप आके बैठ के खा के जा सकते हैं। एंड और जितने भी जो ऑफिसर्स थे वो जो है ना जो घर से काम कर रहे थे वो जो है ना घर पे ही काम कर सकते हैं, और यानी तो ऑफिस में आके काम करने का वो लोग का डिसाइड करते हैं या घर वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं यानी तो घर ऑफिस आके काम भी कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ लोग का सीन चल रहा था। बट ऑलमोस्ट यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पर अगर सारा लॉकडाउन जो है ना ओपन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई सी चीज़ जो है ना क्लोज नहीं हुई है। जो भी है जो चीज़ें क्लोज थे जैसे कि जिम वगैरह और जो स्पास जो है ना जो भी जो मसाज सेंटर्स थे ना वो जो है ना क्लोज हो गए थे, इंशाल्लाह वो भी जो है ना 25th ओपन होने वाली है ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही, बट कन्फर्मेशन नहीं है कि 25th होगा, बट जो है ना ये महीने में 100% ओपन होने वाला है। तो यही कुछ था कि हम जो वेट कर रहा था कि जिम कब ओपन होने वाला है। सो बैक टू बैक वीडियोस आएंगे आफ्टर, देखेंगे कि कैसा होता अपना शेड्यूल कैसा बनता है उसके हिसाब से जो है ना वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, बस ये वीडियो में कुछ बनाना था इसके लिए जो है ना मैं वीडियो सॉरी कैमरा ऑन कर दिया और जो है ना आप लोगों तक मैं शेयर कर दिया। सो ऐसे ही कुछ लाइफ चल रही बिजी चल रही थी जब लॉकडाउन में जो ना उतना ज़्यादा बिजी नहीं था इसलिए जो ना बैक टू बैक वीडियोज़ बनाया और आप लोगों तक शेयर करा। बट जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ हम भी जो है ना थोड़ा बहुत बिजी हो गए जॉब के उसमें और जो है ना अपनी स्टडीज़ के स्टडीज़ तो एकदम एंड अभी तो हॉलीडेज चल रही स्टडीज़ का उतना ज़्यादा मसला नहीं है, बट जॉब के रिलेटेड जो ना थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था और ये नेगेटिवेशन जो नेगेटिविटी जो फैली हुई थी उसके लिए जो ना जो अपना दिमाग ख़राब हो रहा था इसके लिए ना मैं वीडियो बनाना भी नहीं समझा था सही। सो चलो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है ना अच्छी सी शुरुआत करेंगे और बैक टू बैक मैं अपने जो आपको मैं ऑलरेडी बोला कि आप जो फर्स्ट 5 कमेंट जो करेंगे आपको जो रिलेटेड टॉपिक चाहिए इंशाल्लाह उसके बारे में मैं 100% बनाऊंगा। आप जो है ना कमेंट करो मेरे को और मैं उससे पिकअप करूंगा स्टार्टिंग के 5 कमेंट, उसके बाद जो है ना आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके 5 कमेंट के टॉपिक के हिसाब से। सो इफ एनीवन न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस उसका नोटिफिकेशन आ सके। एंड बहुत सारे अपने कुछ चेंजेस भी दिख रहे होंगे, पहले जो है ना बहुत अलग ही था, अभी जो है ना बहुत सारा अपने चेंज हो गया क्योंकि थोड़ा हम जा रहे हैं थोड़ा अच्छे से बियर्ड लुक में और अपने थोड़ा मुस्ताश भी जो है ना थोड़ा बढ़ा। सो ये जो है ना आ गया और वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस लिए कराऊँ। सो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ जो भी इंडियंस और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं क्योंकि वहाँ करके हालात फिलहाल बहुत ख़राब है, प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ, दैट्स इट। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।